हेलो दोस्तों, माइस्टीरियस बातें में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाथी के बारे में, दसराज की, जो आप नहीं जानते हैं। हमारी धरती पर हाथी सबसे संवेदनशील प्राणी है। यह मनुष्य से ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान माना गया है। इससे भी ज़्यादा संवेदनशील और बुद्धिमान जलचर प्राणी डॉल्फिन को माना जाता है। तो आओ जानते हैं हाथी के बारे में 10 रहस्य। एक, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हाथियों का जन्म एरावत नाम के हाथी से माना जाता है। मतलब यह है कि जैसे मनुष्य का पूर्वज बाबा आदम या स्वयं भू मनु है, उसी तरह हाथियों का पूर्वज एरावत है। एरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और इसे इंद्र ने अपने पास रख लिया था। दो, हाथियों को दुनिया के सभी धर्मों में पवित्र प्राणी माना गया है। इस पशु का संबंध विघ्नहर्ता गणपति जी से है। गणेश जी का मुख हाथी का होने के कारण उनके गजतुंड, गजानन आदि नाम है। भारत में अधिकतर मंदिरों के बाहर हाथी की प्रतिमा लगाई जाती है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भारतीय घरों में भी चांदी, पीतल और लकड़ी का हाथी रखने का प्रचलन है। तीन, हिंदू धर्म में अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधि व्रत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा से हाथी की पूजा करते हैं। हाथी को पूजना अर्थात गणेश जी को पूजना माना जाता है। हाथी शुभ सुकून वाला और लक्ष्मीदाता माना गया है। चार, पौराणिक कथा के अनुसार हाथी द्वारा विष्णु स्तुति का वर्णन मिला है। गजेंद्र मोक्ष कथा में इसका वर्णन मिलेगा। गजेंद्र नामक हाथी को एक नदी के किनारे एक मगर ने उसका पैर अपने जड़बों के पकड़ लिया था, जो उसके जड़बे से छूटने के लिए विष्णु की स्तुति की। श्री हरि विष्णु ने गजेंद्र को मगर के ग्रह से छुड़ाया था। पांच, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं हाथियों में एरावत हूँ। छः, हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ही राजा लोग अपनी सेनाओं में हाथियों को शामिल करते आए हैं। प्राचीन समय में राजाओं के पास हाथियों की भी बड़ी बड़ी सेनाएं रहती थी, जो शत्रु के दल में घुसकर भयंकर संहार करती थी। सात, भारत के राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड की स्थायी समिति की 13 अक्टूबर 2010 को हुई बैठक में हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2010 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। आठ, हाथी की उम्र 100 वर्ष से भी अधिक होती है। हथनियों में गर्भावस्था 18 से 22 महीने तक की होती है। प्रत्येक मिनट हाथी 2 से 3 बार ही सांस लेता है और छोड़ता है। हाथी इकलौता ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक तैरने की क्षमता रखता है। चींटी हाथी के सूट में घुस जाए तो वह मरने की कगार पर पहुंच जाता है, इसलिए हाथी फूंक फूंक कर कदम रखता है। 9, हाथियों की सूंघने की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। कहते हैं कि एक हाथी पानी की गंध को लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है। जानवरों में हाथियों का दिमाग सबसे तेज होता है। हाथी की स्मृति बहुत ही तेज होती है। यह अपने हर साथी की पहचान कर उसके साथ बिताए हर दिन को याद रखते हैं। हाथी कभी भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है। यह बहुत ही अपवाद स्वरूप होता होगा। झुंड का कोई हाथी मर जाए तो सभी को बहुत दुख होता है। 10, हाथी संसार का सबसे भारी जीव है। 1 इंच मोटी चमड़ी वाले का वजन कम से कम 10,000 किलो तक का हो सकता है। हाथी खड़े खड़े ही सोते हैं, वह भी दिन में करीब 4 घंटे। हाथी के शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा
उसके कान के पीछे होता है, इसलिए उसे कान से ही काबू में किया जाता है। 5 करोड़ साल पहले हाथियों की 170 प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन अब मात्र 2 ही बची है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।